हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं आप फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बताइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले लेते हैं बोर्ड मॉस से। सबसे पहले बोर्ड मॉस से शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन और लास्ट तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहले बोर्ड मॉस से रिलेटेड शुरू करेंगे तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने 25/10 कोष्टक 8+4+10=4 है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो अपन कैसे इसको सोल्व करें। देखिए सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है तो 8 और 4 कितना होगा 12। अब इसके बीच में गुणा है, 10 का इधर भाग लगाएंगे तो 25/10 करेंगे तो 5 × 2 = 10 5×5=25 यानी 5/2। तो यहाँ आ जाएगा 5/2, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 5×6=30 30+10=40। इस तरह से आयोग के सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साठ भागित 12 3+2 + 7 = क्या होगा। अगर एक ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 3 और 2 कितना होगा 5×। अब इसका बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि 5 का इसमें गुणा करके डायरेक्ट 12 में 60 का भाग लगा देते, 1 आ जाएगा। लेकिन बोर्ड मॉस के ट्रिक में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, कोष्टक हल होता है, फिर पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस तरह से पहले कोष्टक हल होते, फिर भाग होता, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। इस क्रम से कोष्टक इसका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहले गुणा नहीं करते हुए पहले भाग लगाएंगे तो 5 12 का भाग लगाएंगे, 12 × 5=60 5। अब इसका गुणा 5×5=25+7 + 25=32 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 40 का 2/5 और भाग 8 और कोष्टक 5+3−6=, क्या होगा। अब इस कोष्टक में आप सोचेंगे कि पहले ये कोष्टक हल होगा, नहीं ये तो हल होगा ही सही। सबसे पहले का होगा, सबसे पहले क्या होगा का, और का मतलब होता है गुणा। का हल करेंगे तो का मतलब क्या होगा गुणा। तो 5 और 8 = 40, 8 × 2=16 यहाँ आएगा 16/8 और अब ये जोड़ लेंगे तो 5 और 3 क्या होगा 8 होगा −6। अब इसका गुणा नहीं होगा, पहले इसका भाग होगा तो 8 × 2=16 2×8−6 8×2=16−6=10 इज द राइट आंसर। इस तरह बोर्ड मॉस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, √56+√56 = क्या होगा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 56 के 2 फैक्टर करेंगे तो 7×8 7×8=56, इनका बीच का डिफरेंस भी 1 होता है
उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर यदि प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा 8। अगर माइनस चिन्ह होता तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होता। आई होप कि सुनने आ गया, है ना। माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। अगले एग्जाम पे देख देख सकते हैं। √20 - √20 - √20 तो देखो 20 के फैक्टर करेंगे तो 4 × 5 4×5 = 20, इनका अंतर 1। जो माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर आंसर कितना आएगा 4 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन का और क्वेश्चन आते हैं, देखिए दोस्तों। √13 अब यहाँ अगर इन्फिनिटी है तो क्या आंसर होगा। अगर √13 इन्फिनिटी अनंत तक आता है तो कुछ नहीं होगा, आंसर इसका 13। इन्फिनिटी तक जाता है तो इसका आंसर क्या होगा 13। अगर इन्फिनिट नहीं है तो क्या होगा, देखिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि √5 √5 √5 और इन्फिनिट नहीं है, बराबर दिया है, क्या होगा बताइए। 13 के वेक्टर नहीं होते, 5 के भी नहीं होते, तो इस एक 5 का अपने यहाँ 2 लेंगे, इस 5 का 2 लेंगे, इस 5 का 2, 2 × 4 × 8 इसी 5 की जो पावर 8 है, इसमें 8 में से एक कम होगा, 7/8 5 की पावर 7/8 इसका आंसर होगा। जो भी आता है उसका एक कम करना पड़ेगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए। अगर यहाँ अपन 8 लेते हैं, फिर छोड़ अगला देखो, 1 + लंगड़ा बिन को सोल्व करेंगे, देखिए 1 + 1 + 1 + 2 + इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा कमेंट कीजिए। देखो कुछ नहीं करना, लास्ट में 2 3 है तो यहाँ 2 3 2/3 को लेंगे तो 2 3 आ जाएगा। अब कितना है 1 2 3 तो यहाँ 1 2 3 है ना, इसके पहले के ऊपर यहाँ 3 है, इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर 1 है, इसका गुणा तो 3 × 3 = 9 9 × 2 = 11 11 हो जाएगा, 11 × 2 = 22 और 3 = 25 हो जाएगा, 25 × 25 = 11 36 ये इसका आंसर 25/36 इज द राइट आंसर। यहाँ जो भी संख्या होगी उसके क्रॉस गुणा में आएगी, तो 25/36 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।
एक बटा दो, दो छः, दो तिया छः, तीन चौक बारह, चार पंच बीस, छः उनतीस, छः सात तो बयालीस। देखिए अब इतनी बड़ी एक संख्या है, अपन इसको जोड़ एक सेकंड में कह सकते हैं। क्या इस सब संख्या को एलसीएम लेके हल करेंगे? बताइए, सब संख्या को एलसीएम लेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और फिर काट पीट जोड़ घटाना कितना वक्त लगेगा, और एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है। तो एक सेकंड में चुटकी में कैसे हल करें वो तरीका बता दिया। देखिए पहले तो देख दो को देखिए कि दो का फैक्टर क्या होगा, वन इंटू टू, एक दूनी दो, और इन दोनों का डिफरेंस एक। इसका करें तो दो इंटू तीन, दो तीन छः, इसका करें तीन इंटू चार, तीन चौक बारह, इसका करेंगे तो चार इंटू पाँच, चार पंच बीस, इसका करेंगे पाँच इंटू छः, पाँच उनतीस, छः इंटू सात, छः सात तो बयालीस, छः सात तो बयालीस। सबके डिफरेंस एक आ रहा है। अब दोस्तों एक आए, दो आए, तीन आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टर्म्स गिन लो, दो तीन तरीके हैं, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीके बता रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः, कितने ऊपर छः, पहला गुणांक कितना है एक, लास्ट वाला गुणांक कितना है सात, तो छः बटे सात इज द राइट आंसर। छः बटे सात इज द राइट आंसर। आइए आपके सामने आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बटा तीन, पंद्रह, और पाँच सात तो पैंतीस, सात नौ तिरसठ। देखिए अब यहाँ देखेंगे तो इसका अगर डिफरेंस करेंगे तो एक इंटू तीन होगा, इसका डिफरेंस दो होगा। यहाँ करेंगे तीन इंटू पाँच, इनका डिफरेंस दो होगा। यहाँ फैक्टर करेंगे तो पाँच इंटू सात, यहाँ डिफरेंस दो होगा। सात इंटू नौ, सात तम तिरसठ, डिफरेंस दो होगा। अब डिफरेंस एक हो दो तीन हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपन का क्या सूत्र है वो याद रखें। एक दो तीन चार, कितना टर्म्स है चार, पहला फैक्टर एक, लास्ट वाला फैक्टर कितना है इसका नौ, चार बटे नौ इज द राइट आंसर। चार बटे नौ इज द राइट आंसर। अब इसमें दो तरीके से होते, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चार बटे नौ एक तरीका और है, उस तरीके से भी चार बटे नौ आता है। देखिए वो तरीका कौन सा बता देता हूँ। देखिए डिफरेंस कितना वन दो है तो वन अपान टू, पहला फैक्टर क्या है एक, माइनस लास्ट वाला फैक्टर क्या है नौ, तो नौ एकम नौ, एकम नौ, नौ में से एक गया तो आठ बटे नौ, और वन अपान टू, दो से काटा दो चौका आठ बराबर चार बटे नौ इस द राइट आंसर। ऐसे ये तरीका भी इसमें बताए जाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी हल करते हैं कि जो डिफरेंट आता है वो लिख दो,
और पहला गुणांक बटा एक माइनस लास्ट वाला गुणांक एक बटा घटा दो एक का नौ एकम नौ हमें एक आठ आठ बटे नौ और इंटू एक बटा दो दो चौक आठ चार बटे नौ पहले भी चार बटे नौ ही आया आई ओके सुनने आ गया आठ अब इसके अंदर मान क्या होगा बताइए आठ इसको दो की पावर बदलेंगे तो दो की पावर कितनी होगी तीन होगी और होल पावर वन अपॉन थ्री तीन है ना एक बटा तीन हो जाएगा तो दो की पावर तीन इंटू एक बटा तीन तीन से तीन कट गया बराबर दो इसका आंसर आ गया। इसी तरह बत्तीस बराबर क्या होगा बताइए अब यहाँ कुछ भी नहीं है बत्तीस में क्या होगा दो की पावर पाँच कुछ भी नहीं है तो एक बटा दो दो की पावर पाँच बटे दो अगला देखिए फाइव पावर एन इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव तो एन बराबर क्या होगा बताइए ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो देखो फाइव पावर एन और ये एक बटा दो हो जाएगा और इसको पावर में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों पच्चीस इंटू पच्चीस यानी कि फाइव पावर फोर हो जाएगा और ये बेस इक्वल है ये बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी तो n बाय टू इज इक्वल टू फोर और n इज इक्वल टू दो चौक आठ इज द राइट आंसर n इज इक्वल टू एट इज द राइट आंसर आई होप के सुन में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय।